देखिए, जब आप फौज में और वर्दी में किसी को देखते हैं, यकीन मानिए आप इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं जीवन की हर कठिनाई से जूझने के लिए। एक ऐसी ही कहानी है हमारी सुनीता थापा की। सुनीता, आपने फौज ज्वाइन करने का आपकी वजह क्या? मैंने एक्चुअली वजह, मैंने अपना फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को अपना हस्बैंड एक्सपायर होने शहीद होने के बाद क्योंकि ताकि किसी के कमी महसूस ना होने के कारण ये फोर्स ज्वाइन किया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोच के ज्वाइन किया फोर्स में। आपके पति भी फौज में थे? जी। और क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गई है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानियाँ होती है, खुद चाहे जितनी भी मुश्किल हो उसके बावजूद भारतीय सेना इन्होंने ज्वाइन की। और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां हैं जो लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर करनी चाहिए कि जीवन में मुश्किलें कहीं आती हैं लेकिन उसके बाद भी आप जीवन को कैसे जिए ये सीखने को मिलता है। और एक हादसा, ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी हुआ है, देखिए ये कैसे जूझेंगे। आप ही लोगों को इन्फॉर्म किया ना? मुश्किल है भाई यार, तेरा भाई है, कुछ भी हो रही थी। कार्तिक, 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 कार्तिक गिरती कहाँ है? क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक कुछ बोलो कार्तिक, दीदी कैसी है? जिसका डर नायरा को हर पल डराता था, जिस डर को वो दिन रात अपने ख्वाबों ख्यालों में सोच रही थी, वो डर अब साक्षात सामने आ गया है। सब नक्श और कीर्ति कैसे हो रहे हो? शायद नक्श ठीक है, ही इज आउट ऑफ डेंजर, बट कीर्ति, कीर्ति को बहुत चोट आई, शी इज इन कोमा। खुद को। जी हाँ, वही हुआ जिसका डर था। नायरा और कार्तिक, नक्श और कीर्ति, ये चारों मिलकर बेबी मून पर निकले थे। फिर क्या, इस बेबी मून पर जरा देखिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक भाई ने अपनी बहन की खुशी खो दी तो वही एक पति ने अपना सब कुछ खो दिया। देखो गॉड से कुछ तो बोलो, कीर्ति कहाँ है? वो इन छोड़ के तो नीचे कहाँ है? डॉक्टर से तुम्हारी कुछ तो बात हुई होगी ना? इस एक्सीडेंट में कीर्ति कोमा में चली गई है। घर वालों ने जैसे ही ये खबर सुनी उन्हें तो जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा ही लग गया। वहीं दूसरी ओर जब नायरा ने भी सुना कि कीर्ति कोमा में चली गई है, फिर क्या, इस दुख भरी खबर के साथ उसका लेबर पेन शुरू हो गया। आपका बच्चा नायरा संभालेगी और उनका मिसकैरेज हो जाएगा, तो आखिरकार होगा क्या? मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। आई टेल यू व्हाट, जो हमें स्टोरी मिली है वो प्रिटी मच एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, वहाँ तक की मिली है। और कोई स्टोरी हमारे पास नहीं है, मेकर्स ने हमें कुछ नहीं बताया, तो आप लोगों को कैसे पता है? ये मैं सोच रही हूँ, लाइक हाउ। फिलहाल अभी सिचुएशन कैसी है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहानी के हिसाब से कुछ ऐसा होगा, नायरा अपना बच्चा खो देगी और वही कीर्ति एक प्यारे से बच्चे को जन्म देगी, कि कीर्ति कोमा में चली जाएगी, इसीलिए उसका बच्चा कोई और नहीं बल्कि नायरा संभालेगी। हाँ, जिंदगी भी आपके साथ ऐसे ही खेल खेलती है, कभी आपके 10 20 25 दिन बहुत बहुत खुशी के होते हैं और जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कोई ना कोई ट्रेजेडी आपको बिफॉल करती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर सब लोगों के साथ होता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन अब हमारे साथ हो चुका है। अब तक तो कहानी कुछ ऐसी ही है, आगे ये कहानी अब कितनी और कैसे बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।